अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां शुक्रवार 1 अक्टूबर इंदौर व मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए खास रहेगा। आज हमारा इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छठी बार देश में परचम लहराने वाला है। राजधानी दिल्ली में इसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। इस ऐतिहासिक अवार्ड को ग्रहण करने सांसद शंकर लालवानी, कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल व महापौर पुष्यमित्र भार्गव दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आयोजित एक बड़े समारोह में इंदौर को यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। अवार्ड समारोह का इंदौर में 11 स्थानों पर सीधा लाइव प्रसारण होगा। शाम 4 से 6 बजे राजवाड़ा, पलासिया चौराहा, मालवा मिल चौराहा, मेघदूत उपवन, खजराना मंदिर, रणजीत हनुमान मंदिर, बड़ा गणपति चौराहा, भनवर कुआं चौराहा, गांधी प्रतिमा, मरीमाता चौराहा व रेडिसन चौराहा पर होगा। इन स्थानों पर टेंट, स्क्रीन, कारपेट, साउंड, कुर्सियां की व्यवस्था की गई है तथा यहां मिठाइयां बांटकर व आतिशबाजी कर जश्न मनाया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गरबा आयोजकों से अपील की है कि वे देश में छठी बार स्वच्छता में परचम लहराने वाले इंदौर के लिए गरबा उत्सव में स्वच्छता गान अवश्य कराएं। उधर स्वच्छता का अवार्ड प्राप्त कर इंदौर लौटने पर इसे लेकर बड़े जुलूस की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें एयरपोर्ट से रथ बैंड ऑर्केस्ट्रा के साथ जुलूस निकलेगा। इस दौरान रास्ते में कई स्वागत मंच होंगे जो जन प्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ स्वच्छता प्रहरियों का स्वागत कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे।